गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हेयर रीडिंग अबाउट द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। जैसा कि आपने पहले पढ़ा हुआ था कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट टेल अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। एग्जांपल, द बर्ड इज फ्लाइंग। अब यहाँ सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट हमें बता रहा है कि कौन क्या काम कर रहा है। जैसे बर्ड इज़ फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही है। तो क्या काम हो रहा है? उड़ रही है। कौन उड़ रहा है? चिड़िया। चिड़िया उड़ रही है। द बर्ड इज़ फ्लाइंग, सो द सब्जेक्ट इज़ द बर्ड। एंड द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट इज़ और डज। प्रेडिकेट्स हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है या सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट क्या करेगा। एग्जांपल, द बर्ड इज़ फ्लाइंग। द बर्ड इज़ फ्लाइंग, इज़ फ्लाइंग द बर्ड। यहाँ द बर्ड सब्जेक्ट था। यहाँ हमने देखा द बर्ड एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या कर रहा है। द बर्ड इज़ फ्लाइंग, सो द प्रेडिकेट इज़ फ्लाइंग। द बर्ड इज़ अ सब्जेक्ट, इज़ फ्लाइंग इज़ अ प्रेडिकेट। जो द रोज़ इज़ रेड, रोज़ लाल है। रोज़ कैसा है? लाल। तो रोज़ हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि रोज़ के बारे में बात की जा रही है। रोज़ कैसा है? रोज़ रेड है। रोज़ इज़ रेड, तो ये हमारा प्रेडिकेट। विच टेल अबाउट what the subject is. The rose is red. The bird is flying. Thank you.